IBA Grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum, this is Talal Hussain and I've been helping students for the past 8 years to ace their SATs and the test of different top universities in Pakistan and abroad. Today we'll be talking about the verbal section of IBA and SAT. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इन दोनों टेस्ट्स के वर्बल सेक्शन में क्या डिफरेंस है. अक्सर हमें ये सुनने में मिलता है कि सैट का जो वर्बल सेक्शन है वो बहुत मुश्किल है, सैट के वर्बल सेक्शन में स्कोर करना रिलेटिवली मुश्किल होता है. ऐसी क्या चीज़ें हैं, पैटर्न में क्या फ़र्क है और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं और कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सैट देना बेहतर है, कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आईबीए का वर्बल सेक्शन में स्कोर करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान होगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न. अगर मैं आपसे पैटर्न की बात करूँ, देखें सैट में तो पैटर्न बहुत क्लियर है. दो पार्ट्स में वर्बल सेक्शन को डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज़ द रीडिंग सेक्शन, द सेकंड इज़ द राइटिंग सेक्शन. और जैसे मैं अपनी बहुत सारी पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो रीडिंग सेक्शन है उसमें 5 पैसेजेस होते हैं फ्रॉम द जॉनर्स जो उन्होंने पहले से डिस्क्लोज किए हुए हैं, साइंस, सोशल साइंसेज, अमेरिकन हिस्ट्री एंड नैरेटिव. और 5 पैसेजेस आते हैं, उनमें एक पेयर पैसेज होता है. टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 52 क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग सेक्शन में एंड द टाइम अलॉटेड इज 65 मिनट्स. इफ़ यू टॉक अबाउट द राइटिंग सेक्शन और कॉमनली नोन एज द ग्रामर सेक्शन, वी हैव 4 पैसेजेस इन द ग्रामर सेक्शन एंड वी हैव 11 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पैसेज. सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 44 क्वेश्चंस एंड अ टोटल टाइम दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू दिस सेक्शन इज 35 मिनट्स. सो वी आर वेरी क्लियर विद व्हाट्स हैपनिंग इन द सैट एसएटी एंड यू नो वी ऑल्सो नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल बी हैविंग एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल बी हैविंग एंड इवन टू सम एक्सटेंड द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल हैव इन बोथ ऑफ दीज टू सेक्शंस एज वी गो ऑन एंड प्रैक्टिस देम. बट इफ वी कम ऑन टू द आईबीएस वर्बल सेक्शन, द फर्स्ट थिंग that we see is that there is no fixed pattern. IBA के test की जब आप बात करो, जब आप verbal section की बात करो, कोई fixed pattern नहीं है. We have seen के बहुत mechanical paper भी आ जाते हैं, यानी कि जो कि learning based papers होते हैं जिनमें vocabulary ज़्यादा होती है, जिनमें reading इतनी नहीं होती, vocabulary, grammar और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं. And then recently we have also seen that papers, comprehensive reading based papers होते हैं जिनके अंदर reading passages ज़्यादा होते हैं, जिनके अंदर वोकेबलरी इतनी नहीं होती, सेकेंड ईयर वर्ड ज़्यादा होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट चेक किया जा रहा होता है. और रिसेंटली वी हैव सीन के पोएट्री का इंक्लूजन हुआ है, तो पोएट्री इवन रीडिंग के अंदर उसमें आती है. बट देर इज़ नो फिक्स पैटर्न, कब पेपर में कौन सी चीज़ आ रही है ये हमें नहीं पता, दिस इज़ अनप्रडिक्टेबल. दूसरी चीज़, आजकल का जो रुझान है बच्चों के अंदर, जो मैं देख रहा हूँ, मेरा जो एक्सपोजर है, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बच्चे रीडिंग को इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे. ऑब्वियसली 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, ऑल इज़ नॉट द सेम, बट अगेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट प्रेफर यू नो रीडिंग लॉन्ग आवर्स एंड यू नो इंटेंसिव रीडिंग का उनको इतना शौक नहीं है. तो ये एक मेजर डिफरेंस है आईबीए के टेस्ट में और सैट के वर्बल सेक्शन में, कि SAT में you would have to read a lot. As I mentioned, you first have to read 5 passages and then solve the questions that are related. And then writing section के अंदर you would have to read consecutive 4 passages and then you have to solve their related questions. IBA में भी reading है, मगर वो total test 50 minutes का test होता है, उसके अंदर relatively 50 questions या 45 questions total solve करना आसान होता है, क्योंकि उसमें reading का section maximum भी अगर आप जाएँ तो 60-70% reading का section होता है. That makes it around you know 2-3 passages in all that the students have to read. तो ये relatively एक थोड़ा सा इस चीज़ को आसान कर देता है, मगर जहाँ ये चीज़ आसान है वहाँ उसकी अनप्रडिक्टेबिलिटी उसको मुश्किल भी बना रही है. ठीक है, ये एक पहला मेजर डिफरेंस है इसके अंदर. उसके बाद फिर आईबीए के सेक्शन की अगर आप बात करें, आईबीए के वर्बल सेक्शन की अगर आप बात करें, तो उसके अंदर स्कोरिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है. सैट में वी नो कि यार अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं और क्योंकि हमें पता है कि पेपर में क्या चीज़ आने वाली है, तो अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं. वाइल दैट इज़ नॉट द केस फॉर आईबीए, सिंस वी डू नॉट नो व्हाट्स कमिंग इन द पेपर, वी हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट वी हैव सीन. जो भी पेपर में आज तक आ चुका है वो सब प्रैक्टिस करना है एंड देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेज. यानी फॉर एग्जांपल अभी 2 साल पहले जब पोएट्री पहली दफ़ा आई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज यू नो इंक्लूडेड इन द आईबीएस टेस्ट. तो अब इसी तरीके से कभी जंबल्ड पैसेजेस आ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं जो पहले स्टूडेंट्स नहीं की, तो उसको फिर इम्प्रोवाइज करना पड़ता है. तो
अब आ जाती है बात के एज अ स्टूडेंट, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मुझे एसएटी भी देना है, मुझे आईबीए का टेस्ट भी देना है, व्हाट इज़ बेटर फॉर मी? सो देयर इज़ नो वन आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ आप ये देख रहे हैं कि सैट में हमारे पास रीडिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ एक ये प्लस पॉइंट भी हमारे पास है कि हमें पता है पेपर में एटलीस्ट आ क्या रहा है, कितने पैसेजेस होंगे, क्या जॉनरास होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, तो वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट। और जहाँ हमें ये दिख रहा है कि आईबीए का जो रीडिंग सेक्शन या वर्बल सेक्शन वो रिलेटिवली छोटा है, वहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि उस पेपर में आ क्या रहा है ये हमें नहीं पता। एट टाइम्स ये भी होता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर सो मच फॉर वोकैबुलरी और पेपर में वोकैबुलरी नहीं आती, दे प्रिपेयर, दे इन्वेस्ट सो मच ऑफ देयर टाइम ऑन रीडिंग सेक्शन बट पेपर के अंदर इतना रीडिंग। तो हो सकता है कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन करके जाएं वो चीज़ पेपर में ना हो, अनप्रडिक्टेबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ों की वजह से बोथ ऑफ दीज टू वर्बल सेक्शंस आर एट पार विद ईच अदर। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी फॉर दोज जो कि इस टाइम पीरियड में हैं, जो अभी अक्टूबर में या शायद सितंबर में अभी खड़े हैं, वो अगर प्लान कर रहे हैं आईबीए का टेस्ट देने के लिए, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि वो लोग एसएटी कोशिश करें, एसएटी दें, और अगर एसएटी में उनका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता देन दे माइट गो फॉर द आईबीएस टेस्ट प्रिपरेशन। क्योंकि जब आप सैट की तैयारी कर लेते हो तो मोर देन 70% ऑफ द थिंग्स दैट यू डू इन योर आईबीएस टेस्ट प्रिपरेशन वो उसमें कवर तकरीबन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप सैट की तरफ जा रहे हो तो ये ज़रूर है कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं, मगर जैसे मैंने पहले कहा कि रीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये जो एक प्री रिक्विजिट है उसका आप लोग ख्याल रखें और एक छोटी सी आदत अपनी बना लें कि डेली बेसिस के ऊपर अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज तलाल हुसैन साइनिंग ऑफ, अस्सलाम वालेकुम।